हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो पॉलीमर रह गया था उसी से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। देखिए सर, हमने क्या करना है, हमने विनाइल पॉलीमर्स पढ़ लिए थे, अब हमें पॉलीएस्टर पॉलीअमाइड पढ़ने हैं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड डिजाइंस पढ़ने हैं, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड डिजाइंस पढ़ने हैं। टुडे हम ये सब पढ़ेंगे और जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंथेटिक रबर और नेचुरल रबर वो रह गए हैं। आज हम वो कवर करेंगे जो कि आप लोगों का लास्ट टॉपिक होगा। देखिए ये पॉलीएस्टर्स क्या होते हैं। पॉलीएस्टर्स में हमारे पास दो पॉलीएस्टर हैं, एक डेक्रोन है और एक ग्लिप्टल है। जो डेक्रोन होता है दोनों थोड़े थोड़े से सेम हैं, और ये जो होते हैं कोपॉलीमर्स होते हैं। कोपॉलीमर्स का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि कॉमन्स डिफरेंट डिफरेंट, मतलब आप टू और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट। जरूरी नहीं है कि मोनोमर यूनिट सेम है। अभी तक आप लोगों को मैंने जो पॉलीमर्स कराए हैं, जितने भी पहले आप लोगों को कराए थे, वो सारे के सारे क्या थे, उसमें मोनोमर यूनिट जो आप लोग सेम ले रहे थे, लेकिन इसमें जो मोनोमर यूनिट है वो आप लोग डिफरेंट लोगे, दो अलग अलग लोगे। जैसे टर्टैलिक एसिड हमने लिया, टर्टैलिक एसिड का मतलब है पैरा पोजिशन पे 1,4 पे CWH कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि आप लोगों को पता ही है, ये होता है CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है। इन दोनों को जब आप लोग कंबाइन करोगे, और जो ये आप लोगों के ये जो पॉलीएस्टर पॉलीअमाइड है, ये जो है स्टेप वाइज, अभी तक आप लोगों को मैंने जो पढ़ाए थे वो सारे के सारे जो पॉलीमर थे वो एडिशन और जो है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बने थे। आप बस क्या कर रहे थे, सिंपल एक मोनोमर यूनिट को बार बार ऐड करते जा रहे थे, जिससे लॉन्ग चेन पॉलीमर की आप लोगों को मिल रही थी। लेकिन जो ये है स्टेप वाइज, या फिर मैंने बताया था कि दो कैटेगरी होती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से आप लोग इन पॉलीमर्स को बनाते हो। कंडेंसेशन जो पॉलीमर होता है, कंडेंसेशन का मतलब रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अल्कोहल का रिमूवल होना। तो हम स्टेप वाइज जब एडिशन करते हैं इन मोनोमर्स को, इन मॉलिक्यूल्स को, मोनोमर्स को ज्वाइन करते हैं पॉलीमर बनाने के लिए, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकलता चला जाता है। तो जैसे अब हमने डेक्रोन लिया, हमने ये ले लिया टर्टैलिक एसिड, इसकी रिएक्शन हमने कराई है इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसको हीट कराया एट 425 to 475 केल्विन टेम्परेचर पर, N-1 टाइम्स वाटर। आपका कंडेंसेशन मीन स्मॉल रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर अल्कोहल, तो वाटर रिमूव हो जाएगा कंडेंसेशन से, कंडेंस हो जाएगा, तो आप लोगों को जो है ये डेक्रोन जो है मिल जाएगा। देखिए वो कैसे, मैं आप लोगों को कंबाइन करके दिखाती हूँ कि हमने वाटर कैसे निकाला है। यहाँ से हाइड्रोजन ले लीजिए, यहाँ से OH ले लीजिए, ये आप लोगों का बाहर निकल जाएगा वाटर। सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ये बॉन्ड CH2 CH2O, बाकी आगे सेम वो आगे फर्दर जुड़ेगा वाटर निकालने के लिए इस तरीके से, तो आप लोगों का जो है ये डेक्रोन बन जाएगा। इसे आप जो है पॉलीएस्टर्स, आप लोगों को पता ही है पॉलीएस्टर का फैब्रिक जो कपड़ा है हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसे फैब्रिक्स में यूज़ कर सकते हो, टायर कोर्स बनाने में यूज़ कर सकते हो, मैग्नेटिक जो रिकॉर्ड टेप्स होती हैं उनको बनाने में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा ग्लिप्टल, एक पॉलीएस्टर हमारा रह गया ग्लिप्टल, देखते हैं हम उसे। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉलीमर है, ये भी हमारा जो ग्लिप्टर है, ये भी हमारा एक पॉलीएस्टर ही है। तो जो ग्लिप्टल है उसके अंदर भी सेम, जैसे उसमें मोनोमर यूनिट हमारी इथाइलिन ग्लाइकोल तो था ही, CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास है। थैलिक एसिड ले सकते हो आप या थैलिक एनहाइड्राइड ले सकते हो, हमने थैलिक एनहाइड्राइड लिया। थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कराई, वाटर एंड टाइम्स वही कंडेंसेशन से रिमूवल ऑफ वाटर होगा, वाटर बाहर निकल के आप लोगों का ये बन जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से आप लोगों को ये मिल जाएगा पॉलीमर, जो आप लोगों को क्या मिलेगा ग्लिप्टर। इसे आप जो है यूज़ कर सकते हो पेंट्स में और लैक्वर्स में। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे हमारा जो है पॉलीअमाइड्स हैं, वो भी पॉलीअमाइड्स भी जो है आप लोग स्टेप वाइज कंडेंसेशन जो है स्टेप वाइज ग्रोथ, या फिर स्टेप स्टेप में जो है एक एक स्टेप करके आप लोग इसको ग्रोथ करते हो चेन की, या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ही ये भी प्रोसीड करता है। पॉलीअमाइड हमारे पास नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6 है। नाइलॉन 6,6 जो है इसके दो, ये भी एक कोपॉलीमर है, क्योंकि जो है इसमें भी हम दो अलग अलग मोनोमर लेते हैं, सेम मोनोमर नहीं लेते हैं, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। एडिपिक एसिड आप लोगों को पता ही है, इसका जो फॉर्मूला ये है एडिपिक एसिड का फॉर्मूला CH2 4 COOH COOH, ये हमारा एडिपिक एसिड है। ओके, हेक्सामिथाइलिन डायमीन है, हेक्सामिथाइलिन 6 टाइम्स है, तो CH2 6 डायमीन NH2 NH2, ये हो जाएगा हमारा हेक्सामिथाइलिन डायमीन। जब आप लोग कंबाइन करोगे वाटर निकलेगा,
यहाँ से एक हाइड्रोजन ओ एच ये बाहर निकाल दीजिए, तो आपकी जो बॉन्ड बनेगी सी ओ एन, एक हाइड्रोजन इसका पास बचा हुआ है एन एच, सी ओ एन एच ये बन जाएगी, ठीक है, मतलब अमाइड वाली जो लिंकेज है वो बन जाएगी। इसीलिए हम इन्हें पॉलीअमाइड्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ अमाइड लिंकेज होती है। ये हमारा नायलॉन 6-6 है, इसे आप जो है सीड्स बनाने में, फाइबर्स में यूज़ कर सकते हो। उससे अगला हमारा है नायलॉन 6 और परलोन। नायलॉन 6 के लिए जो मोनोमर यूनिट होती है वो हमारी होती है कैप्रोलेक्टम, 7 मेंबर रिंग होती है ये कैप्रोलेक्टम। जैसे इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पता ही है सी डबल बॉन्ड ओ वाले होते हैं, जिसमें रिंग में साइक्लिक रिंग इस तरीके से होती हैं, वैसे ही कैप्रोलेक्टम है तो उसकी अमीनो ग्रुप के साथ होती हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, ये हमारी लेक्टम वाली होती है। तो ये हमने लिया कैप्रोलेक्टम मोनोमर यूनिट, आपने इसको वाटर के साथ हीट किया है, वाटर साथ हीट करने के बाद जो रिंग है वो ओपन हो जाएगी। देखिए कैसे यहाँ से रिंग क्लीव हो जाएगी, सी डब्लो एच ये हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 सी एच टू मिथाइलिन ग्रुप हो जाएंगे, यहाँ एन एच टू, मतलब आपने वाटर ऐड किया है ना, यहाँ ओ एच ऐड हो गया, यहाँ एच ऐड हो गया, तो ये बन जाएगा आप लोगों का वाटर के साथ हीट करने पर इस तरीके से ये रिंग ओपन हो जाएगी। फिर आप लोगों को हीट करिए 535 केल्विन पे, तो एन टाइम्स आप जब लोग इसे हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। वही वाटर जब रिमूव होगा तो देखिए क्या होगा कि जो ये सी डब्ल्यू एच है अगली मोनोमर यूनिट के साथ कंबाइन करेगा उसके एन एच टू ग्रुप के साथ, क्योंकि ये पॉलीअमाइड है, एन एच जो सी ओ एन एच लिंकेज है वो बनेगी, तो दूसरे मोनोमर का आप लोग यहाँ पे ऐसे लिखोगे एन एच टू सी एच टू फाइव सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इस तरीके से लिखोगे, तो जो ये ओ एच है और एक ये हाइड्रोजन ये आप रिमूव करोगे यहाँ से, तो आप लोगों को जो है वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से। वाटर रिमूव होने के बाद आप लोगों के पास ये लिंकेज बन जाएगी, देखिए अमाइड लिंकेज जो ये बन, इसीलिए ये पॉलीअमाइड है। इसे आप यूज़ कर सकते हो टायर कोड बनाने में, फैब्रिक्स में, रॉप्स में, ओके। तो आगे हमारा जो है अगला जो हमारा पॉलीमर है, पॉलीअमाइड्स भी हो गए हैं, पॉलिएस्टर भी हो गए हैं। आगे जो हमारे एक तो हमने पढ़ना है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रिजाइंस, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रिजाइंस, इसमें नाम में ही है बेकेलाइट हम पढ़ेंगे। फिनोल ग्रुप लेना है मोनोमर, और एक फॉर्मल्डिहाइड लेना है मोनोमर, जो यूनिट मॉलिक्यूल लेना है। फिनोल का जो बेकेलाइट का जो पॉलीमर का स्ट्रक्चर है वो ये है। इसे बनाते कैसे हैं देखिए, फिनोल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड HCHO के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, आप एसिड ले लीजिए या फिर बेस ले लीजिए। जब आप लोग कराओगे तो इसमें क्या बनेगा, ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो पे बेंजाइल अल्कोहल और ऑर्थो या पैरा पे हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा। फिर आप इन दोनों को जो है कंबाइन करोगे, क्रॉस लिंक होगी, जो ये बेकेलाइट जो होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है, इसके अंदर जो है क्रॉस लिंकिंग होती है। तो जब आप लोगों ने इसमें जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो क्रॉस लिंकिंग इस तरीके से हो जाएगी, इस सी एच टू की इसके साथ हो जाएगी, ये फर्दर आगे अगले इसी ऑर्थो वाले के साथ रिएक्ट करेगा, ऑर्थो वाला फिर फर्दर पैरा वाले है, इसी तरीके से आप लोगों की जो है क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, तो ये बेकेलाइट आप लोगों का बन जाएगा। इसके यूजेस आप ऐसे एज ए गम, ग्लू, कॉम्स, सनमाइका वगैरह जो है पेंट को वॉल के साथ अच्छे से जो है स्टिक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसमें ये जो होता है मिला, इसे हम जो है उसमें ऐड करते हैं पेंट वगैरह में, तब जो है इसके फ़ायदे होते हैं, ओके। उससे आगे हमें पढ़ना है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रिजाइंस। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड नाम में ये यूरिया आप लोगों को लेना होगा, NH2CO यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड ले लिया हमने HCHO, इन दोनों को कंबाइन करोगे, इन दोनों को कंबाइन करने से आपके पास मिथाइलोल यूरिया बन जाएगा। देखिए वो कैसे बनेगा, वही कंडेंसेशन का ही है, CH2 यहाँ से आप लोग जो है एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा सकते हो, इसमें जो है वाटर का ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से ये CH2OH में चेंज जाएगा, इसका हाइड्रोजन से इसका जो NH2 का वाटर, जो ये NH2 है इसका हाइड्रोजन आप इसे दे दीजिए, जिससे ये CH2OH NHCONH2 में चेंज जाएगा। फिर आप फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ एडिशन कर दीजिए, फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करने से आप लोगों को ये मिल जाएगा, देखिए दोबारा से वही सेम, ये वाला जो नाइट्रोजन है अपना हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के जैसे लोन पेयर है वो इस कार्बोनिल पे अटैक करेंगे, तो सी ओ नेगेटिव एच एच ये आएगा, यही हाइड्रोजन आप इसे ऐड कर दीजिए, जिसकी वजह से ये NH में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो HCHO ग्रुप है वो किस में चेंज हो गया, CH2OH में, इस तरीके से। अब आप फिर हर बार इसको ऐड करते जाइए, एक बार फॉर्मल्डिहाइड, एक बार यूरिया ऐड कर दीजिए, फिर फॉर्मल्डिहाइड, सो ऑन, इस तरीके से करने के बाद आप लोगों को ये जो है
पॉलीमर जो है मिल जाएगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड्रेट, यानी ये आप लोगों का पॉलीमर बन जाएगा। इसके जो यूजेस हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हो इन मेकिंग ट्रे, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बनाने में इसे यूज़ कर सकते हो। अब हमारे जो है दो टॉपिक जो कि लास्ट है, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर, ये रह गए हैं। तो ये छोटे छोटे से ही हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। देखिए नेचुरल रबर, नेचुरल रबर जो होती हैं वो उसे वो पॉलीआइसोप्रीन होता है। पॉलीआइसोप्रीन को ही हम नेचुरल रबर बोलते हैं। नेचुरल रबर इसे क्यों बोला जा रहा है, जो नेचुरल रबर है ये हमें कहाँ से मिलती है, लेटेक्स जो होता है उस एक रबर ट्री होता है, उस रबर ट्री की बार्क में, उसकी पेड़ की जो छाल होती है, आप लोगों ने देखी है ना पेड़ के ऊपर जो बार्क होती है, उस बार्क में लेटेक्स जो होता है, कोलाइडल सस्पेंशन होता है रबर का और वाटर का, उन दोनों का सस्पेंशन होता है, उसे हम लेटेक्स बोलते हैं। उस लेटेक्स से ही जो है ये नेचुरल रबर बनी हुई होती है। आइसोप्रीन इसका मोनोमर है। आइसोप्रीन का फॉर्मूला आपको पता है, अगर 2-methyl-1,3-butadiene, पहले आप 1,3-butadiene बना लीजिए, 2 पे मिथाइल लगा लीजिए, ये देखिए 1,2,3,4, 2 पे मिथाइल है, 1 पे और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है 1,3-butadiene। ऑक्सीजन की ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन हीट कीजिए, जब आप लोग हीट करोगे तो आप लोगों को जो है एंड टाइम्स नेचुरल रबर जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगी। जब आप देखिए इसमें जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे आई है, वो कैसे आई है, क्योंकि आप जब लोग अगली मोनोमर के साथ इसे कंबाइन करोगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगी, ये अगले के साथ चले, तो आपकी एक जो नई डबल बॉन्ड है वो यहाँ जनरेट हो रही है, इसी वजह से हमने इसकी इस डबल बॉन्ड को यहाँ बनाया है। ओके, तो ये इस तरीके से हमें नेचुरल रबर मिलती है। नेचुरल रबर जो है हम इसकी जो सिंथेसिस के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं वो होता है सिस वन फोर पॉलीमराइजेशन जो है 1,4-polymerization, क्योंकि सारे की सारी जो इसके अंदर मोनोमर यूनिट्स होती है आइसोप्रीन की वो सिस फॉर्म में होती है, तो इसीलिए हम इसे सिस 1,4-polymerization बोल सकते हैं। तो देख लीजिए जो अरेंजमेंट है वो सारा सिस है, 1,2,3,4, देखिए यहाँ मैंने 2 पे यहाँ से नंबरिंग करनी है, 1,2,3,4, 2 पे मिथाइल है, 1 पे और 3 पे बुटाडाइन होता है। आप ये देखिए CH2, सी के साथ ये CH3, डबल बोन यहाँ जो बनी CH CH2, ये इसी तरीके से फिर आगे कंटिन्यू कीजिए 1,2,3,4, मतलब जो आप लोगों ने अरेंजमेंट किया वो सिस है, सिस हुआ CH2 CH2, सेम साइड है डबल बोन के, बिल्कुल सेम है। तो ये जो रबर है ये हम सिस 1,4-polymerization करके बना सकते हैं। आप इसे इस नेचुरल रबर को यूज़ कर सकते हो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर करने के लिए। वल्कनाइजेशन में आप लोगों को पता है हम लोग जो है डाइसल्फाइड की लिंकेज बनाते हैं इसके साथ हीट करके, तो वो डाइसल्फाइड लिंकेज जो है इस तरीके से बन जाती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, पेपर में भी आता है ये वाला क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग। ये वही मोइटी आप लोगों ने जोड़ी है CH2, यहाँ से देखिए CH2 CCH3 डबल बोन CH, और ये जो CH2 है इसके साथ आपने डाइसल्फाइड लिंकेज बनाई है, वही सेम जो है बन जाएगा आप लोगों का आगे। इस तरीके से डाइसल्फाइड लिंकेज जो है आप लोग बना दोगे, ये वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक रबर की। हमारे पास जो सिंथेटिक रबर है वो देखिए, सिंथेटिक रबर में हम जो है हम इसे बोलते हैं नियोप्रीन, जो सिंथेटिक रबर का दूसरा नाम है वो है नियोप्रीन। नियोप्रीन होता क्या है, इसका जो मोनोमर है इसे पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं, इसका जो मोनोमर है वो क्लोरोप्रीन है। क्लोरोप्रीन जो है जैसे आइसोप्रीन था वैसे क्लोरोप्रीन भी है सेम, बस उसमें फ़र्क क्या है, आइसोप्रीन में 2 पे मिथाइल था, यहाँ क्लोरोप्रीन में 2 पे क्लोरो होगा, तो 2-chloro-buta-1,3-diene सेम स्ट्रक्चर है, 1,2,3,4, 2 पे क्लोरो 1,3-butadiene, ये आप लोगों का 2-chloro-1,3-butadiene है क्लोरोप्रीन। इसको आप एन टाइम्स मोनोमर को रिपीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परसल्फेट, तो आप लोगों को नियोप्रीन जो है पॉलीमर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम एज ए रबर बहुत सुपीरियर क्वालिटी की ये रबर होती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की रबर होती है, सबसे बढ़िया होती है ये वाली रबर। ओके, तो बुना अगली जो हमारी सिंथेटिक रबर है वो है, हमारे पास एक तो था नियोप्रीन, एक हमारे पास ये बुना एस है, बुना एस SBR, इसके नाम में देखिए आप लोगों को इसके मोनोमर जैसे से पता लग जाएंगे, बुना से 1,3-butadiene, एस से आप लोगों को मैंने एक स्टाइरोन इंटरमीड वो पॉलीमर पढ़ाया है स्टाइरीन इसके अंदर,
तो एस ए स्टायरीन और बोना से 1,3-बुटाडीन। तो आप लोगों के जो मोनोमर इसके अंदर है वो 1,3-बुटाडाइन और स्टायरीन है। ओके, तो यहाँ 1,3-बुटाडाइन ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1 पे 3 पे बुटाडाइन, ये आप लोग का स्टायरीन है। बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप लगा होता है साइड चेन। इसकी रिएक्शन देखिए, ये स्टायरीन की रिएक्शन जब आप लोग करोगे 1,3-बुटाडाइन के साथ, तो आप लोगों का जो है क्या बन, पोटेशियम परसल्फेट की प्रेजेंस में, तो आप लोगों का देखिए क्या बनेगा। मैं ज्वाइन करके दिखाती हूँ, ये डबल बोन यहाँ इस कार्बन से जुड़ जाएगी, ये सी एस टू सी एस टू, यहाँ ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर आगे आप उसी से अगले मोनोमर से कंटिन्यू करोगे स्टायरीन के, तो इस तरीके से जो ये बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर ये स्टायरीन की मोइटी सी एच सी एच टू, यहाँ पे ये सी एच टू इसके साथ बॉन्ड बनेगी, ये सी एच, यहाँ पे नई जो डबल बॉन्ड आई है वो ये वाली है, जो नई डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगी वो वाली जो डबल बॉन्ड है वो ये वाली है। तो सी एच सी एच टू आगे कंटिन्यू सेम करोगे, तो ये आप लोगों का बोना एस एस बी आर जो है ये बन जाएगा। ये भी एक सिंथेटिक रबर है, इसे आप जो है लाइट जो टायर्स होते हैं वो बनाने में, बेल्टिंग में, होस एंड रबर शूज में यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों का ये पॉलीमर का चैप्टर पूरा हो गया है, सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।